हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और ये न्यूज आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी? कमाल है कि इजराइल ए स्ट्राइक ऑन न्यू लीडर ऑफ हिजबुल्ला। मतलब अभी नया लीडर बनाया और वो भी चला गया। अब तो सब घाट उनकी टांगे कांपेगी कि भैया हमें नहीं बनना नेक्स्ट लीडर। कोई भी नहीं बनेगा। वो कहेंगे नेक्स्ट लीडर बनाना बना दो, किसी को बताना मत कि हम बने। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब ये हो सकता है कि हिजबुल्ला ये कहे कि हमने अपना नेक्स्ट लीडर डिसाइड कर लिया है, मैं उसका नाम किसी को नहीं बताएंगे। समझ लेना फिर क्या है, क्यों नहीं बता रहे, ठीक है? चलो देखते हैं। जी सला पुलिस स्टेशन की खिड़की पर खड़ा होता है, खिड़की पर हैं यूं हाथ कर कर, पुलिस स्टेशन की खिड़की पर लोगों को दिखाता है। इस फोटोग्राफ ने दुनिया का दिल दहला दिया था। यार तुमने तो एक साल में इजराइल के 60,000 आदमी नॉर्थ इजराइल से वापस डिस्प्लेस करे। इसराइल ने तो मेरे भाई 7 दिन में 1.5 मिलियन 15 लाख डिस्प्लेस कर दिए। बड़ा रहस्यमय माना जा रहा है कि सिनवर की तस्वीर के ऊपर इसराइल ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सैफुद्दीन हसन नजरुल्ला का भाई भी था, एक तरह से दोस्त भी था, राइट हैंड मैन भी था। और आप लोगों को याद होगा जो सुलेमानी ईरान का जनरल मारा गया था आज से करीबन 1.5 साल पहले, मैं शायद भूल रहा हूँ एग्जैक्ट टाइम, उसका ये रिलेटिव भी था कि अपने घरों में नहीं सो पा रहे हैं, ना दिन में रह पा रहे हैं ना रात को सो पा रहे हैं। तो उन लोगों ने तय किया है कि थोड़ा वक्त बीच में गुजार देते हैं। एक नहीं मारा गया, 5 मारे गए। सही बता रहा हूं, पता है कहां? ईरान में। जब मिसाइल छूट रहे थे तो एक लॉन्चिंग पैड एक्सप्लोड कर गया, जिससे 5 सैनिक ईरान के मर गए। साथियों आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे पूरा वीकेंड राउंड अप किसका? इजराइल का, हमास का, गाजा का, लिबनान, बेरूत और हिजबुल्ला का, कि किस तरीके से फिर से एक बार पुनः इजराइल ने गाजा में और लिबनान बेरूत में भीषण रॉकेट अटैक या यूं कहें एयर अटैक किया है। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि ईरान ने जो एक घातक बमबारी 3 के मिसाइल से इजराइल के ऊपर की थी, इजराइल के लोग कितना डरे हुए हैं, वो अपने घर में रहते और सोते डर रहे हैं, इस मारे भाग भाग कर बीचेस की तरफ जा रहे हैं नहाने के लिए। और साथ में एक बात और करेंगे, मैंने आप लोगों को यह भी जानकारी दी थी, मैं एक जगह गलत हो गया, कि ईरान ने जो 3 के रॉकेट्स का भीषण बमबारी की थी इजराइल के ऊपर, उसके सिलसिले में एक आदमी हलाक हुआ था, वो वेस्ट बैंक का एक पैलेस्टीनियन था, वो भी रॉकेट से हलाक नहीं हुआ था, उसके ऊपर उसके सर पर ऊपर से आसमान से भारी लोहा गिर गया था, फ्रैगमेंट गिरा था। लेकिन हाँ, यहां मैं गलत था, हलाक एक इंसान नहीं हुआ है, हालात कम से कम 6-7 इंसान और हुए हैं। लेकिन ये मैं आखिर में बताऊंगा, वो दूसरे हैं, वो टेरेस वाले के तो अलग हैं, दिल थाम के बैठी बंच ऑफ टेररिस्ट अटैक, वो कुछ और है। नहीं, ये उसकी बात कर रहे हैं जो जब वो लॉन्च पैड जब कर रहे थे तो लॉन्च पैड जो तो वहां से जो हल्ला करते हैं इजराइल की 2 घातक बॉम्बिंग की, एक जो उसने गाजा में की है और एक बेरूत में की है। अजीज सलाह का आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। अजीज सलाह जो सिल्वर है उसके बड़ा क्लोज कहलाता है, उसका कोई रिश्तेदार भी कहलाता है। साल 2000 में इजराइल के 2 सैनिक पैलेस्टीन अथॉरिटी का जो इलाका था जेरूसलम में, वहां पर घुस गए। अब वो वहां क्यों गए, क्या गए, ये मुझे इतनी हिस्ट्री नहीं पता। ईयर 2000, आज से 24 साल पहले की बात। इनको पैलेस्टीनियंस ने खींच के लिंच करना शुरू कर दिया। तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी वो इन दोनों सैनिकों को पकड़ के, ये रिजर्व सैनिक थे और अनआर्म्ड थे, इनको खींच के वहां के पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन एक बहुत बड़ी भीड़ लेके अजीज सलाह पहुंचता है। कम्युनिटी गाइडलाइंस के मारे वो पूरी पूरी फोटो अनएडिटेड आपको नहीं दिखा पाऊंगा। अजीज सलाह पहुंचता है 300-400 आदमियों के साथ और थाने में घुस के उन दोनों सैनिकों को लिंच करते हैं और छोटी छोटी नाइफ से गोद गोद के मार देते हैं। ईयर 2000। उसके बाद ये फोटो बड़ी फेमस हुई थी। तभी जब मैंने अजीज सलाह का नाम सुना, मैंने कहा यार इसने वही वाला शायद वही कांड किया था आज से 24-25 साल पहले। अजीज सलाह पुलिस स्टेशन की खिड़की पर खड़ा होता है, खिड़की पर यूं हाथ कर कर लोगों को दिखाता है।
इस फोटोग्राफ ने दुनिया का दिल दहला दिया था। क्यों? ये उन इजरायली रिजर्व सैनिकों का ब्लड था। बातें तो और भी सुनते हैं कि उनका कलेजा निकाला था, ये निकाला था, आई डोंट नो इनका ये जिसकी फोटो दिखा रहे हैं निकाल के इसके हाथ में लगा हुआ है। इजराइल गिरफ्तार करती है, वो दिखा रहा है कि चलिए का गिरफ्तार करती है। फिर इजराइल के कुछ सैनिक जब बंधक बनाए जाते हैं, बाद में मातो ये सब सिलसिला थोड़ा बहुत चलता रहता है, तब एक्सचेंज में इसको छुड़ाया जाता है। तो दो दिन पहले अजीज सलाह को बम्बार्टमेंट में इसराइल ने फाइनली मार गिराया है। इतना ये शैतानी इंसान था। और ये सिनवर का राइट हैंड कहलाता था। अब जब सिनवर का जिक्र आया है, एक लेटेस्ट अपडेट दे दूं। सिनवर इसराइल ने कितने गाजा के आतंकी बचे हुए हैं, हमास के, गाजा क्यों बोलूं, हमास के जितने आतंकी बचे हुए हैं उनकी फोटो रिलीज की है। कुछ जो जिंदा है, जो अभी टारगेट में है, और कुछ जिनकी डेथ हो गई है, जिनको मार दिया गया है। रहस्यमय माना जा रहा है कि सिनवर की तस्वीर के ऊपर इसराइल ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर लोग समझ नहीं पा रहे इसका मतलब क्या है। कुछ तो अभी कंफर्म नहीं हुआ कि गया है कि नहीं गया, खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इसराइल इसको पकड़कर ले गया है और अपने हिसाब से इसका जो भी ट्रीटमेंट करना है वो करेगा। तो ये बात हो गई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल गाजा पे। कुछ और ईरान से जोड़कर और यहां मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ईरान से जोड़कर गाजा का अपडेट कल के वीडियो में जो मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा, आप लोग देखिएगा और आप लोग सोचिएगा कि रिजवान ने कितनी सही बात बोली थी कि ईरान के चक्कर में पैलेस्टीनियंस का कितना नुकसान हो रहा है ईरान, हुती और हिजबुल्लाह के सिलसिले में। कल ये वीडियो इजराइल तो अटैक कर रहा है ना। तो ये लेटेस्ट अपडेट है गाजा का। अब आप आते हैं बेरूत में। हाशिम सैफुद्दीन, ही वॉज द पर्सन जो माना जा रहा था कि हसन नजरुल्ला को टेक ओवर करने जा रहा है, उसी टेक ओवर के सिलसिले में बेरूत के हिजबुल्ला के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के बेसमेंट में अंडरग्राउंड बंकर में मीटिंग चल रही थी। ये जानकारी फिर सुनने में आ रहा है कि हिजबुल्ला के मोल ने इसराइल को दे खत्म हो गया। देर रात इसराइल वहां पर एक भीषण एयर अटैक करता है, जिसको माना जा रहा है जिस एयर अटैक ने हसन नजरुल्ला को मारा था उससे भी भीषण एयर अटैक करता है। और देखने वाले साथियों देख लो कि एयर अटैक या रॉकेट अटैक होता क्या है। लगभग 60 आदमियों के साथ हाशिम सैफुद्दीन के भी मरने की खबर है। अजीज सलाम मर चुका है, गारंटेड है, लेकिन हाशिम सैफुद्दीन की बहुत सी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मर चुका है, लेकिन मैं क्योंकि श्योर नहीं हूं, मैं उतना ही अपडेट देता हूं जिसके बारे में मैं श्योर होता हूं। तो अपडेट ये कि यस इजराइल बता देगा थोड़े टाइम में, यस जल्दी बता देगा, मीटिंग चल रही थी, यस नजरुल्ला को जो भी व्यक्ति टेक ओवर करेगा जिसको माना जा रहा है हाशिम सैफुद्दीन, ये ही वहां को उसका सदर था उस मीटिंग का। सैफुद्दीन हसन नजरुल्ला का भाई भी था, एक तरह से दोस्त भी था, राइट हैंड मैन भी था। और आप लोगों को याद होगा जो सुलेमानी ईरान का जनरल मारा गया था आज से करीबन साल डेढ़ साल पहले, मैं शायद भूल रहा हूं एग्जैक्ट टाइम, उसका ये रिलेटिव भी था। तो ये दूसरी खबर है। अगर ये दूसरी खबर सत्य होती है तो ये माना जाएगा कि हसन नजरुल्लाह का जो चार्ज टेक ओवर कर रहा था हिजबुल्लाह की कमांड, उसको भी इसराइल ने मार दिया है। एक रिपोर्ट बता रही है मार दिया गया है, एक रिपोर्ट बता रही है कि नहीं ये गलत है, नहीं मारा गया है, सिर्फ इंजर हुआ है। और हाँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैंने ये भी तो बताया आपको ना कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इसराइल के लोग इतने डरे हुए हैं कि अपने घरों में नहीं सो पा रहे हैं, ना दिन में रह पा रहे हैं, ना रात में सो पा रहे हैं। तो उन लोगों ने तय किया है कि थोड़ा वक्त बीच में, तो बीच में जा रहे हैं क्या, थोड़ी पिकनिक, छुट्टियां मना रही हैं, थोड़ी स्विमिंग वुमिंग कर लेते हैं, इतना डरे हुए हैं इन लोगों के बॉम्ब के अटैक। तो ये है इनकी हैसियत, इनके बॉम्ब बैक टू नॉर्मल। बाद में बताऊंगा कि एक नहीं छह आदमी मरे हैं, कि ये डर है ये वॉलीबॉल चल रही है। अटैक के बाद जो लेटेस्ट हुआ है रॉकेट अटैक, उसके सवा घंटे बाद इसराइल ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आप अपने शेल्टर से बाहर निकल आइए। और इसराइल ने अपनी एयर स्पेस तक यानी पैसेंजर प्लेन्स के लिए इस रॉकेट अटैक के डेढ़ घंटे बाद इसराइल ने अपनी एयर स्पेस ओपन कर दी, बैक टू नॉर्मल। अब खुश होते रहो, झंडे हिलाते रहो, बॉम्ब अटैक क्या होता है ये मेरे प्रॉब्लम, अब अपना अपने अपने उसके लिए रेडी रहो। तो एक अजीब खबर, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सीरिया में लड़ाई चल रही थी,
सीरिया से रेफ्यूजीज भाग के लेबनान आ गए थे। आप लोगों को पता होगा, कल भी मैं इसका जिक्र करूंगा, सन 2010 में असद की सरकार को गिराने के लिए वहां पर जो आंदोलन चल रहा है, जो पीसफुल भी है और आर्म्ड रेसिस्टेंस भी है, मुसलमानी है बेचारे जो आंदोलन कर रहे हैं, वो एक समुदाय के हैं, असद एक समुदाय का है। सो सन 2010 से लेकर पता नहीं मुसलमान भाइयों को ये खबर सुनकर कितना दुख होगा। वो तो वैसे ये भी कह सकते हैं, अरे ये तो पुरानी बात हो गई, अब बेशर्मी का तो कोई जवाब नहीं होता। सन 2010-2011 से लेकर 2019-20 तक, वहां तक की रिपोर्ट बता रहा हूं, एक समुदाय का असद दूसरे समुदाय के मुसलमानों को पता है कितना मार चुका है। यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है, चेक कर लेना इन चीज को, मुसलमान भाइयों तुम भी कर लेना, तुम किस समुदाय को मुझे नहीं पता। तो भैया यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया वो 375,000 मुसलमान एक समुदाय के, असद जो दूसरे समुदाय का है उसने मारे हैं। और वहां पे एमनेस्टी की जो रिपोर्ट है वो 5,00,000 की है। तो सुन के अमेजिंग है कि अभी वो कंफर्म भी नहीं प्रॉपर, मतलब लीडरशिप उसकी पूरी हुई भी नहीं होगी बेचारे की, कि अभी वो चला गया उसको। कोई ना कोई उनका जो मुसाद का एजेंट था है उनके अंदर, उसने इन्फॉर्मेशन दी कि अगला बंदा ये है, उन्होंने कहा अगला बंदा ये है, तो उसके ऊपर भी उसी टाइम वो अभी अंदर बैठ के मीटिंग ही कर रहे हैं। मतलब वही है कि मुसाद जो है हर जगह है, लेबनान में, मैंने तो पहले ही कहा था, ईरान के अंदर भी बैठे हैं, ईरान के अंदर है, अभी देखना ईरान में क्या होता है। नेतन्याहू ने कहा था कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, ईरान तक जा सकते हैं, तो उन्होंने पूरा पेनिट्रेट किए हुए हर चीज को, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नेक्स्ट लीडर है ये है और यहाँ है। सोचो कितना कमाल का, वैसे कमाल का इनका तो। और ये पॉइंट सही था कि इज़राइल ने अपनी एयर स्पेस ओपन कर ली, वो बीचेस में जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लाइफ एज नॉर्मल है। ईरान ने इतना ह्यूज अटैक किया था, कुछ भी नहीं, 2 घंटे लगे उसके, तो फोटो खींच रहे थे उनकी भेजी हुई मिसाइल्स के साथ, वो फोटो खींच रहे हैं, वो कह वो गाना गा रहे होंगे उसमें, तू ले मेरी सेल्फी, क्या क्या क्या, क्या वो गाना है तू ले मेरी सेल्फी, या क्या वो बड़ा फेमस गाना था, बड़ा मशहूर हुआ था, तू खींच मेरी सेल्फी, ऐसा कुछ था। तो वो वहाँ पे वो चल रहा है, और यहाँ ईरान के लोग जो हैं वो अपने, ईरान और पाकिस्तान के लोग वो अपनी किसी दुनिया में है, और वो नाच गाने कर रहे हैं सोच के कि भैया हमने बड़े लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, मगर ईरान को कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा भी है। वो ईरान को तो आएगा ही आएगा, ईरान को तो अब उनको, क्योंकि अब दूसरी बार ईरान कर चुका है स्ट्राइक। हाँ, एक बार ही हो गया, फिर दूसरी बारी कौन, कितनी बारी तुमको छोड़ देंगे, ना समझ समझ के कौन इग्नोर करेगा तुम्हें बार बार। तो अब इनकी जब बारी आएगी तो देखते हैं ये फिर उसके बाद क्या सेल्फियां लेंगे, ये ईरान वाले जब इसराइल के अटैक के बाद सेल्फी लेंगे, या कुछ ही घंटों के अंदर आके बाहर जो है अपनी बीच पार्टीज करेंगे, वो अब देख टाइम बताएगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।